मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं आपका भाई मून सैमुएल नीदरलैंड से आप सब बहन भाइयों के लिए एक दरख्वास्त लेकर आया हूं। मेहरबानी कीजिए अपनी कौम की बेटियों को अपनी दुआओं में याद रखें। हालात हमारे लिए इतने साजगार नहीं हैं। आज भी हमारी बेटियों के लिए परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रावलपिंडी में, सियालकोट में ताज़ा वाक़यात हुए हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। अपनी कौम की बेटियों को दुआओं में याद रखिए। हम नीदरलैंड में ख़वातीन के आलमी दिन पर जो 8 मार्च को होता है उसकी नस्बत से हम 9 मार्च को नीदरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे हैं जिसका मकसद यहाँ के लोगों को बताना और अपने लोगों को अवेयरनेस देना और पीछे हमारे लोगों के जो हालात हैं उसके बारे में बताना है ताकि हम अपने लोगों को साथ लेकर अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आवाज़ बन सकें। दुआओं में याद रखिएगा, आपकी कौम की बेटियों को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। उनके लिए बोलें, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, लाहौर इशरा वाक़या जो हलवा वाला वाक़या हुआ है उसमें अगर कोई लड़की वो खातून क्रिश्चियन होती तो उसे उसी वक्त जिंदा जला दिया जाता। उस लड़की को कभी भी छोड़ा ना जाता। इससे पहले भी जितने भी वाकयात हुए हैं उनको बाद में जाके पता चलता है कि इसका कोई कसूर नहीं है। हम अपने बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हम उनके लिए आवाज उठाते हैं, उठाएंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें बहुत से लोग इस बात का ताना देते हैं कि शायद आप किसी हुकूमत के अगेंस्ट हैं, आप किसी रियासत के अगेंस्ट हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम इस दिन का प्लान 8 फरवरी से पहले भी कर चुके थे और इसका ऐलान कर चुके थे कि हुकूमत किसी की भी हो, हम अपने बहनों के लिए बोलेंगे, हम अपनी बेटियों के लिए बोलेंगे। आए अब सब मिलकर अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाएं, उनके लिए यकजा हो जाएं, उनको बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएं, उनके लिए बोलें। 8 मार्च की मुनासबत से आपको मैंने बताया है हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हम एक करारदाद भी पास करेंगे, सब लोग उस पे साइन करेंगे। हम उस समरी को, उस पटिशन को हम यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे, डच पार्लियामेंट में भेजेंगे, ताकि हम अपने लोगों के लिए मुस्बत करदार अदा कर सकें, हम अपनी बेटियों के लिए एक पॉजिटिव आवाज़ बन सकें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने लिए और अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करें। दांत आपके साथ हो।